तो आज की कहानी यह है कि बेड कंप्लीट है और आज बेड का सुधार चल रहा है। सुधार मतलब ये है कि नाली से जो पानी आएगा वो खेत से बाहर कैसे जाएगा, तो इसके लिए बेड रिपेयरिंग चल रही है। ये पूरी साइड साइड से नाली निकाल के इधर ये देखो, ये रिपेयरिंग चल रही है। यहाँ से बेड को सुधारा जा रहा है और बेड का पूरा पानी बाहर जाएगा। अभी काम काफ़ी ज़्यादा है और समय काफ़ी कम है। काम ऐसा है कि बेसल डोज के लिए खाद आ चुका है। अब बेसल डोज में सिंगल सुपर फास्फेट है, उसके साथ में 18-46 है और कुछ नीम और तंबाकू का मिक्सचर है अपना कोरोमंडल का, और पोटास वगैरह है। तो पोटास को डालने का तो उतना कुछ है ही नहीं, डालने का मन है ही नहीं वैसे तो, लेकिन देखते हैं। बाकी सिंगल सुपर फास्फेट, मेरे ख्याल से सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप डाल रहे हो तो बाकी चीज़ें अगर आप एड ऑन ना भी करो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि बेसल डोज इतना ज़्यादा ओवर डालने की ज़रूरत रहती नहीं है क्योंकि पौधा काफ़ी छोटा रहता है। तो उसके बाद में अगर आप ड्रिप से जितना खाद दोगे ना उतना ज़्यादा बेटर मिलेगा। और अब ये बांस वगैरह इनको भी उठाना है यहाँ से, क्योंकि पानी आ गया तो इनको ढूंढना पड़ेगा कहाँ गए। और भी काफ़ी काम है क्योंकि बेसल डोज डलेगा, उसके बाद फिर उसको मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर ड्रिप डलेगी, ड्रिप के बाद फिर मल्चिंग डलेगी। तो काफ़ी काम है और हो सकता है कि 3-4 दिनों में पानी भी आ जाए। बाकी इधर तो खेत पूरा कंप्लीट है, चलो आगे और दिखाते हैं।